इंडियन सरकार किसमें है नेता सरकारी तंत्र और एक शेर कौन है ये शेर आइए देखते हैं। अगर हिम्मत है तो शेर के मुंह में अपना सर डाल कर दिखाओ दिखाओ। हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ। ये लीजिए क्या आप इसे पहचानते हैं? जी हाँ सही पहचाना, ये है जंगल का राजा शेर। क्या आप इस हंटर वाले को पहचानते हैं? जी हाँ सही पहचाना, ये है रिंग मास्टर, जिसकी हंटर की एक फटकार से शेर भीगी बिल्ली बन जाता है और ताकतवर से ताकतवर शेर भी इनके काबू में आ जाता है। इसे तो आप जरूर पहचानते होंगे। जी हाँ आपने सही पहचाना, ये है जिनका काम है मनोरंजन करना। अब जरा इसे गौर से देखिए, क्या आप इस लाचार पशु को पहचान सकते हैं? जी हाँ, ये जो हाथ जोड़कर खड़ा है ये है जंगल का बेताज बादशाह बाघ। अब आप बताइए कि ये लोग कौन हैं? जी हाँ, ये हैं सर्कस के दर्शक, जो कि अपना पैसा देकर सर्कस में मनोरंजन करने आते हैं। आपने सभी को अपने हिसाब से पहचाना तो ठीक है, लेकिन ये इनकी सही पहचान नहीं है। तो क्या है इन सब की सही पहचान? आइए पता करते हैं। हम जो देखते हैं या हमें जो दिखाया जाता है
दरअसल वो सही पहचान नहीं होती है, पर दिखने वाले चेहरे के पीछे भी चेहरा होता है जिसे हमें समय रहते पहचानना होता है, वरना देर का नतीजा हमें ही भुगतना होता है हमेशा। ये है सरकार, मंत्री और उनके सरकारी तंत्र। अब इन्हें पहचानिए। ये है मीडिया, जिसका काम है जनता का हर हाल में मनोरंजन करना, और ये सब होता है सरकार के एक इशारे पर होता है। और इन्हें देखिए, ये हैं पुलिस प्रशासन, जो कि नेता मंत्री के आगे हाथ जोड़कर बेबस खड़े रहते हैं। ये है CBI, देश की सबसे ताकतवर संस्था, जो भ्रष्टों को सही कर सकते हैं। इन्हें पहचानना मुश्किल नहीं है। ये है आम जनता, यानी हम लोग, जो कि अपने पैसे लुटाकर भ्रष्ट मंत्रियों के कारनामों पर तालियां पीटते रहते हैं और हर बार भ्रष्ट और बदनाम लोगों को वोट देते हैं। CBI एक ऐसी संस्था है जिसकी ताकत शेर के जैसी है, जिसकी ताकत को कैद करके ये भ्रष्ट लोग मनमाना नाच मचाते हैं, इसे वो करने से रोकते हैं जिससे भ्रष्टाचार कम हो, और वो करवाते हैं जिससे सरकार में बैठे लोगों का भला हो, साथ ही विरुद्ध लोगों को चुप करा सके हर हाल में। यदि CBI को अपने तरीके से काम करने की आजादी दी जाए, साथ ही किसी अनचाहे हस्तक्षेप से दूर रखा जाए, तो ये संस्था इस देश से न सिर्फ भ्रष्टाचार कम करेगी, बल्कि इससे हर भ्रष्ट ठीक उसी तरह से डरेगा जिस तरह से जंगल में शेर से सामना होने पर होता है, और फिर वही होगा जो शेर चाहेगा। Thank you.